बिहार के छपरा में एक स्वास्थ्य कर्मी की गलती के कारण फिर स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी हो रही है। छपरा के मासूमगंज शहरी स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन लेने आए एक युवक को बीते बुधवार को खाली इंजेक्शन लगा दिया गया है। वहां मौजूद एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था जिसमें यह सब कुछ कैद हो गया। अब वह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वैक्सीन लगाने वाली नर्स चंदा देवी को वैक्सीनेशन कार्य से मुक्त कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्टीकरण की मांग की है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में चंदा देवी का कहना है कि टीकाकरण के दौरान काफी भीड़ थी जिसके कारण वह फूल गई। चंदा देवी की नियुक्ति छपरा के एकमा स्वास्थ्य केंद्र में है। टीकाकरण को लेकर उनकी प्रतिनियुक्ति मासूमगंज शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर की गई थी। दरअसल जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो इसकी विभाग ने जांच की। पता चला कि यह मामला छपरा का है, जिसके बाद जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अजय शर्मा ने कार्रवाई की। नर्स को जवाब देने के लिए 2 दिनों का समय दिया गया है। हालांकि महिला ने अपनी गलती मान ली है। गौरतलब हो कि लगातार इस तरीके का मामला सामने आते रहे हैं। अभी हाल ही में राजधानी पटना में भी इस तरह का मामला सामने आया था। एक दिन में एक ही व्यक्ति को 2 वैक्सीन लगा दी गई थी। वहीं कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है, उन्होंने वैक्सीन ली भी नहीं और उन्हें सर्टिफिकेट भी मिल गया है। कोरोना महामारी के बीच लंबे समय के बाद पटना लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने वैक्सीनेशन के नाम पर नर्स द्वारा खाली इंजेक्शन लगाए जाने के वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग पर हमला बोला। छपरा के वायरल वीडियो की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिना घोटाले के बिहार में कोई काम नहीं हो सकता है, चाहे मामला जो भी हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण समेत सभी विभागों में भ्रष्टाचार ही है।